अभी तो मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, भूख लग रही है। 1 बज रहा है तो आज का पूरा टाइम मैंने घूमने के लिए रखा है जयपुर का, तो चलो चलते हैं। पहले भूख लगी है बहुत तेज, कुछ खाते हैं, छोले भटूरे खाने का मन है मेरा, मिलते हैं तो फिर लेते हैं। और मेन रोड आ गई है, यहाँ से हवा महल जाने के लिए, जल महल जाने के लिए ना मुझे मेट्रो लेनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ आपको चलते चलते। तो गाइस ये है रेलवे स्टेशन, और वो देख रहे हो वो है मेट्रो स्टेशन, आसपास ही है। तो ट्रैफिक बहुत आ रहा है, धूप भी तेज हो रही है। भटूरे मैंने खा लिए, यहाँ का थोड़ा टेस्ट अलग ही है। यहाँ पे छोले की जगह आलू की सब्जी देते हैं, रस्से वाली। ये रहा मेट्रो स्टेशन, और इस मेट्रो स्टेशन का नाम बताऊँ क्या है, रेलवे स्टेशन। पहले जाना है हवा महल और जल महल, दोनों आस पास ही हैं, तो उसके लिए मेट्रो कर लेंगे, पास पड़ेगा। और यहाँ के मैं मेट्रो स्टेशन का नाम दिखाता हूँ आपको, उसका नाम है रेलवे स्टेशन। देखिए गाइस ये रहा रेलवे स्टेशन, ये यहाँ के मेट्रो का नाम है। यहाँ की मेट्रो भी सेम दिल्ली की तरह ही है, सेम वैसी बनी हुई है। का मेट्रो स्टेशन है गाइस, यहाँ का सेम यहाँ पे दिखाना क्या है, बट मुझे वो पूछना पहले चार्ट। तो आपको ना मेट्रो से टिकट मिल जाएगी 12 रुपए की बड़ी चौपाल जाने के लिए, और मेरे पास चेंज नहीं था, 500 का था, बड़ी मुश्किल से चेंज हुआ। तो गाइस आपको बड़ी चौपाल जाने के लिए ना यहाँ से ट्रेन मिल जाएगी, मेट्रो सॉरी, और मेट्रो का नाम मैंने बता दिया रेलवे स्टेशन है। तो चलते हैं वहाँ पे, हवा महल थोड़ी सी डिस्टेंस पे ही पड़ेगा आपको, जल महल दोनों साथ में ही पड़ जाएंगे आपको। मैं आपको यहाँ का मेट्रो स्टेशन का ऊपर का व्यू दिखाता हूँ, कैसा व्यू है। मेट्रो स्टेशन तो सेम ही होता है, दिल्ली की तरह ही होता है, सेम वैसी है। यार मेरे बाल ऐसे खराब हो रहे हैं चिपके चिपके से। ये देखिए सामने का व्यू, और वो है रेलवे स्टेशन, ये है मेट्रो स्टेशन। गाइस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ, ये तो मैंने बता दिया कि रेलवे स्टेशन के पास मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे मस्जिद भी है, अभी यार नमाज शुरू हुई है। ये जा रही है मानसरोवर, और हमें जाना है बड़ी चौपाल। यहाँ की मेट्रो थोड़ी डिफरेंट है, वह है तो सेम ही, कलर थोड़ा ऐसा कर रखा है। तो गाइस मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि आपको हवा महल जल महल जाने के लिए ना बड़ी चौपाल तक की मेट्रो करनी पड़ेगी। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, देख रहे हो गाइस, हमें लास्ट स्टेशन पे जाना है बड़ी चौपाल, आप पढ़ लेना बड़ी चौपाल ही है। और अभी हम यहाँ पर है रेलवे स्टेशन पे, 3 स्टेशन बाद आ जाएगा। फाइनली आ गई अपनी मेट्रो, यही छोड़ेगी हमें। अगर आपको घाटू श्याम जाना है ना, तो उसके लिए बस स्टैंड नियरेस्ट मेट्रो से पड़ेगा सिंधी कैंप, वो भी यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन ही है, तो वहाँ से उतर के आप जा सकते हो घाटू श्याम। स्टेशन है गाइस सिंधी कैंप का, यहाँ से आप बस पकड़ सकते हो खाटू श्याम के लिए। वो देखो वो रहा बस स्टैंड, ये बस स्टैंड है, यहाँ से आपको ना 24 आवर्स बस मिल जाएगी, हर आधे घंटे बाद चलती है खाटू श्याम के लिए। तो मैं कल जाऊँगा तो बस से ही जाऊँगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन ही है खाटू श्याम के पास, रिंग बस तो वहाँ से भी दूर पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। खाटू श्याम का बस स्टैंड खाटू श्याम मंदिर के पास ही है, तो वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा मेरे लिए। गाइस कुछ ऐसा दिखता है बड़ी चौकी, मतलब नाम ही बड़ा अजीब सा है इसका, ये है यहाँ का रेलवे मेट्रो स्टेशन, यार रेलवे स्टेशन नाम है, और मैं लगता है मैं यहीं कन्फ्यूज रहूँगा, पूरा खाली पड़ा हुआ है यहाँ तो। मॉन्यूमेंट में होते हैं ना सेम वैसे टाइप का
भैया थोड़ा साइड में, जैसे मॉन्यूमेंट में होता ना सेम वैसे स्ट्रक्चर से बना रखा है यहाँ पर मेट्रो स्टेशन और अंडरग्राउंड है। सबसे अच्छी बात तो ये भी है, मुझे लगता था जयपुर में नहीं है बट है। चलो चलते हैं सबसे पहले हवा महल। हवा महल पास पड़ेगा, एक से मैंने पूछा था। यहाँ आगे तो ऐसा लग रहा कहीं और ही आ गए, सब पुराने पुराने डिजाइन से बनी है। गाइस ये रहा हवा महल, अभी दिखाता हूँ आपको। गाइस देखिए कितना अच्छा लग रहा है। एंट्री इसकी यहाँ से है और उसके आस काफी बड़ा बना हुआ है वहां तक, और उसके नीचे दुकानें भी हैं। आप देख सकते हैं जैसे कितना अच्छा लग रहा है। इसमें 108 खिड़कियां हैं गाइस, जो आप देख रहे हो ना छोटी छोटी वो। तो गाइस ये यहाँ का टाइमिंग देख लो हवा महल का, और यहाँ से कर रहे अभी एंट्री, टिकट भी यहीं से मिलेगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अब ये कह रहे टिकट घर यही है, समझ नहीं आ रहा कहाँ है। लगता है पूछता हूँ किसी से गाइस यहाँ की। अच्छा ये अंदर की एंट्री है और वहाँ से आपको टिकट लेनी पड़ेगी। वैसे तो मैंने सुना है स्टूडेंट आईडी पे डिस्काउंट काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बट अभी देखते हैं। अब स्टूडेंट आईडी तो है नहीं बट चलते अंदर, टिकट घर मिल गया है। टिकट घर यहाँ का, यहाँ शेरू हमारा सो रहा है। टिकट विंडो, तो गाइस ये यहाँ का टिकट प्राइस। गाइस इस तरीके की कोई टिकट मिली है 52 रुपीस की, और यहाँ से एंट्री हवा महल में अंदर जाने की। तो चलो चलते हैं, और ये यहाँ से तो सामने का व्यू। यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम के बारे में मुझे बताया नहीं, तो शायद होगा नहीं। इस तरीके से कुछ स्टैम्प मार देंगे, होल कर देंगे, मतलब आप अंदर जा सकते हो। वाह कितना अच्छा व्यू आ रहा है देखो। ये एंट्री है यहाँ से, मतलब इस साइड से एंट्री है, और ये कुछ बना रखा है। और इस दरवाजे का नाम है चंद्रपोली द्वार, और अगर आपको पढ़ना था इसमें से पढ़ सकते हो। ये वो है जो हमें बाहर से दिखाई देता है ना, अंदर से कुछ ऐसा है। यहाँ नाइट में फाउंटेन जल जाता होगा। अच्छा यहाँ कुछ चल रहा है गाइस, राजस्थानी गाना। तो गाइस चलते हैं ऊपर, और यहाँ क्या है। अच्छा यहाँ हर जगह कवाली टाइप हो रहा है, यहाँ पे वो गुड्डे गुड़िया का खेल होता है ना, वो होता है गाइस। देखिए कुछ ऐसी सीढ़ियां बनी हुई है ऊपर जाने के लिए, काफी मजा आ रहा है गाइस। घूम घूम के जाना है, घूम घूम के। बहुत गर्मी लग रही है मुझे तो, मतलब हो रही है यहाँ यार, बहुत गर्मी है। धूप ऐसे आ नहीं रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, पर गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, कितनी स्वेटिंग हो रही है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर, सबसे टॉप पे सीढ़ियों पर जा रहे हैं। जैकेट मैंने उतार दी, बहुत गर्मी लग रही थी, और पसीने देख लो गाइस कितने आ रहे हैं। तो वो भैया आ गए, ये भी मुझे यहीं मिले हैं, ये भी अकेले आया। तो मैंने कहा चलो आपकी भी फ़ोटो खींच देते, मेरी भी खींच जाएगी। गाइस मैं यहाँ से आपको 360 व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पूरी खाली दीवार है बस, पीली पीले कलर की। अब हम जा रहे हैं वो सबसे टॉप पर, आप देख रहे हो वहाँ जा रहे हैं भैया।
और इधर से हमने एंट्री ली थी, तो आपको इस तरीके का व्यू नजर आएगा। और अभी चलते हैं ऊपर, यहाँ से एंट्री ऊपर जाने की, चलते हैं जी। पहले नीचे आना पड़ेगा, फिर ऊपर आना पड़ेगा। ऊपर जाने का भी फिर यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देता है। और ये जो है ना खिड़की, मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका जब आप फ्रंट से आओगे ना तो आपको दिखाई देगा। यहीं से हमने सामने से फोटो खींची थी, खिड़की आया जहाँ से हमने सामने से फोटो खींची थी। और सीना देखो कितना आ रहा है, बाप रे। चलो भाई मिल गए, भाई के साथ चलते ऊपर, चले। जब हम जा रहे सबसे टॉप पर, ऐसे भूल भुलैया हो, इतना चढ़ाई है ना, लगता है आपको कम है, बहुत है ये ज्यादा भाई। बहुत सारी सीढ़ी है, मतलब स्टेयर्स टाइप का बना रखा है। और पता नहीं कितना ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है 3-4 फ्लोर ऊपर ही आ गए। वहाँ पर कितना छोटा सा रास्ता है, तो पकड़ो यार, वो छोटी छोटी गलियों में से आप देख रहे हो कैसे रास्ते बने हुए हैं। और इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। हाँ सर, क्या मस्त व्यू आ रहा है। हम सबसे ऊपर टॉप पे आ गए हैं, सामने पहाड़ है, उस पर भी कुछ बना हुआ है होटल टाइप। अरे यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ बड़ी खतरनाक है यहाँ की, बहुत छोटा सा एक ही यहाँ से, वो भी टेढ़ा होके इधर अलग से गुंबद सा आ गया गाइस। तो यहाँ से पूरा रोड का व्यू आता है चारों साइड से, तो आप देख सकते हैं। अभी हम यहीं खड़े होके ले रहे थे फोटो की, और पहले हम उधर गए थे सबसे ऊपर और वहाँ नीचे से आए थे। और गाइस यहाँ पे ना सच में हवा चल रही है, मैं यहाँ पे तभी इसका नाम हवा महल रखा गया हुआ, बहुत मस्त हवा आ रही है यहाँ पर। अब यहाँ से निकलते हैं और अब जाते हैं जल महल, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, देखते हैं। और फिर अगर टाइम मिला तो जंतर मंतर भी जाएंगे, यहाँ पे जंतर मंतर भी है, यहाँ पे 3-4 चीजें है और सिटी पैलेस भी है। उसके लिए आपको एक स्टेशन पहले उतरना पड़ेगा, जहाँ पे मैं उतरा ना उससे एक स्टेशन पहले, मुझे ये नाम याद नहीं आ रहा अभी, तो ये है। तो अब जगह को करते हैं बाय बाय और चलते हैं जल महल।